गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमने कल पढ़ा था कि किस तरीके से बर्था कहाँ पहुँच जाती है, पार्क में पहुँच जाती है बर्था, और वो उस पार्क में बहुत सारी चीज़ें देखती है, पॉन्ड्स, ट्रीज, हमिंग बर्ड्स, पैरट्स, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखती है वो, और फिर सोचती है कि अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती है कि अगर मैं इतनी अच्छी नहीं होती तो फिर मुझे इस पार्क में आने ही नहीं दिया जाता। ऐसे ही वो सोच रही होती है कि थोड़ी देर में उसको कौन दिख जाता है, वोल्फ दिख जाता है। वहाँ पर एक वोल्फ आता है और वो सबसे पहले पार्क में क्या देखता है, बर्था को देखता है। अब वो वोल्फ बर्था के पीछे दौड़ता है, बर्था भी पूरी जान से भागती है, और एक मेटल ट्री, मेटल की जो झाड़ियाँ होती हैं यानी कि मेहंदी की जो झाड़ियाँ होती हैं उसके पीछे जाके छुप जाती है। अब वहीं कहीं वोल्फ क्या करता है, उसको सूंघता है ब्रांचेस के इधर उधर। अब देखते हैं हम आगे क्या हुआ इसके बाद। बर्था वॉज ट्रेम्बलिंग वेरी मच एट हैविंग द वोल्फ प्रोलिंग ओबीडेंस क्लिंक्ड अगेंस्ट द मेडल्स फॉर गुड कंडक्ट एंड पंचुअलिटी। बर्था क्या कर रही थी, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना, बर्था क्या कर रही थी, कांप रही थी क्योंकि वोल्फ उसकी तरफ प्रोलिंग करते हुए आ रहा था। प्रोलिंग मतलब अपनी शिकार की खोज करना, तो इसलिए बर्था क्या हो रही थी, कांप रही थी। ओबीडेंस क्लिंक्ड अगेंस्ट द मेडल्स फॉर गुड कंडक्ट एंड पंचुअलिटी। ओबीडेंस यानी कि उसकी जो आज्ञाकारिता थी वो खनक रही थी मेडल्स के अगेंस्ट फॉर गुड कंडक्ट, अच्छे व्यवहार और पंचुअलिटी यानी कि समय की पाबंदी के लिए। द प्रिंस हु हैड कम टू मीट बर्था हर्ड द साउंड ऑफ द मेडल्स क्लिंकिंग एंड स्टॉप्ड टू लिसन। दे क्लिंक्ड इन अ बश क्वाइट नियर हिम। प्रिंस बर्था से मिलने आया था, उसने बर्था के मेडल्स के खनकने की आवाज़ सुनी और फिर सुनना बंद कर दिया। दे क्लिंक्ड इन अ बश क्वाइट नियर हिम, जो उसके पास में झाड़ियाँ थी उसमें क्या कर रहे थे, वो खनक रहे थे। इंटरप्टेड द आंट, ऐसा किसने बोला, आंट ने बोला इंटरप्ट करते हुए, बाधित करते हुए। अभी तक स्टोरी कौन सुना रहा था, बैचलर सुना रहा था, पर ये जो लाइन वो किसने बोली, आंट ने बोली। द प्रिंस विथ हिज बो एंड एरो किल्ड द वोल्फ इन वन शॉट एंड बर्था वॉज सेव्ड। द थ्री मेडल्स ऑफ गुडनेस सेव्ड हर लाइफ, सेड द आंट हरिडली। प्रिंस ने उसके धनुष और वांड से क्या किया, वोल्फ को, भेड़ियों को एक ही शॉट में, एक ही बार में मार दिया और बर्था को बचा लिया गया। द थ्री मेडल्स ऑफ गुडनेस सेव्ड हर लाइफ, जो तीन मेडल्स थे उसकी अच्छाई के, उन्होंने उसकी जान बचा ली। ऐसा किसने कहा, आंट ने बोला हरिडली। हरिडली मीन्स होता है हड़बड़ाहट में। वर एनी ऑफ द पिक्स किल्ड, क्या उनमें से कोई पिक मारा गया था, नो दे ऑल एस्केप्ड, वो सभी कैसे हो गए थे, भाग गए थे यानी कि बच गए थे। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टोरी आई हैव एवर हर्ड, सेड द बैचलर। बैचलर ने बोला कि ये सबसे सुंदर स्टोरी है मैंने आज तक जो सुनी है, उन स्टोरीज में से सबसे सुंदर स्टोरी थी ये, बैचलर ने ऐसा कहा। आई वॉन्टेड टू गिव द स्टोरी एन इम्प्रॉपर एंड, थैंक यू फॉर मेकिंग इट द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टोरी, सेड द बैचलर कलेक्टिंग हिज बिलोंगिंग। बैचलर ने बोला कि मैं इस स्टोरी को एक इम्प्रॉपर एंड अनुचित अंत देना चाहता था, लेकिन आपका धन्यवाद इस स्टोरी को इतना सुंदर बनाने के लिए। बैचलर ने उसकी संबंधित जो चीज़ें थी उनको इकट्ठा करते हुए बोला, मतलब आंट को पता था कि जो बैचलर स्टोरी सुना रहा है उसका एंड कैसा होगा, इम्प्रॉपर होगा, क्योंकि उसको एंड समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसा सुना है, इसलिए फिर आंट ने बीच में इंटरप्ट किया और उस स्टोरी को एक अच्छे तरीके से एंड किया। तो ये जो स्टोरी था, या आपने रीड किया होगा तो आपको समझ भी आया होगा। अब वील डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। नाउ ऑन पेज नंबर 14, रीड अंडरस्टैंड एंड आंसर। रीड मतलब हमको पढ़ना है, अंडरस्टैंड मतलब समझना है, और फिर आंसर करना है। हमने रीड किया इतने दिन तक स्टोरी, समझा भी, अब हमको क्या करना है, आंसर करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल का मीन्स क्या होता है, मल्टीपल का मीन्स होता है बहुत सारे। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 to 10 चॉकलेट्स हैं, तो आप क्या कहेंगे, आई हैव मल्टीपल चॉकलेट्स। कितनी चॉकलेट्स हैं आपके पास, मल्टीपल्स यानी कि एक से ज़्यादा, बहुत सारी चॉकलेट हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस है आंसर देने के लिए, मतलब एक से ज़्यादा चॉइस है आपके पास आंसर देने के लिए।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन. आपको ये जो क्वेश्चंस दिए उनको आंसर करना है, जो ऑप्शंस गिवन ऑप्शंस है उनमें से जो आपको सही लगता है उसको चूज करके. ओके सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज द वर्ड सल्ट्री मीन्स. सल्ट्री सल्ट्री आया था इस चैप्टर के फर्स्ट लाइन में कि रेलवे कैरिज कैसा था. सल्ट्री मीन्स उमस भरा, बिल्कुल अनकंफर्टेबल, है ना. तो वेरी कोल्ड, ठंडा, वेरी हॉट एंड अनकंफर्टेबल, बहुत गर्म या फिर बहुत गर्म और अनकंफर्टेबल, ड्राई एंड वेट, सूखा और गीला, या फिर चिली, ठंडा. तो कैसा था? वेरी हॉट एंड अनकंफर्टेबल. तो सेकेंड वन इज करेक्ट. नाउ द वर्ड दैट मीन्स अनविलिंगली इज. अनविलिंगली का मीनिंग क्या होता है? क्लिक्ड. क्लिक्ड मतलब तो क्लिक करना, बट यहाँ पे क्लिंक्ड होना चाहिए बिकॉज क्लिंक्ड इज रिलेटेड टू आर चैप्टर. क्लिंक मतलब खनकना. रिलक्टेंटली मतलब बिना इच्छा से. रिज्यूम्ड मतलब फिर से शुरू करना. गैस्प मतलब होता है हाँफना. और अनविलिंगली मीन्स क्या होता है? बिना इच्छा से. तो कौन सा वर्ड मैच कर रहा है अनविलिंगली से? रिलक्टेंटली. तो अनविलिंगली का मीनिंग क्या होगा? रिलक्टेंटली. द बी वन इज करेक्ट. देन व्हेन साइरिल लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ही सॉ. जब साइरिल ने विंडो से बाहर देखा था, आंट ने उसको डांट के बुलाया था विंडो के पास, फिर जब उसने विंडो से बाहर देखा था तो उसको क्या देखा था? अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड, अ स्ट्रीम, धारा, या फिर बफेलोस, या फिर अ हर्ड ऑफ कैटल्स, मवेशियों का झुंड. तो क्या दिखा था उसको? शीप्स दिखी थी ना. और उसने पूछा भी था कि कहाँ ले जाया जा रहा है इन शीप को. तो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. देन द आंट टोल्ड द चिल्ड्रंस अ स्टोरी अबाउट. आंट ने बच्चों को किसके बारे में कहानी सुनाई थी? शीप के बारे में, फील्ड्स के बारे में, ग्रास के बारे में, या लिटिल गर्ल के बारे में? शीप यानी कि भेड़ों के बारे में, फील्ड्स खेत, ग्रास घास के बारे में, या फिर छोटी लड़की के बारे में? किसके बारे में सुनाई थी? छोटी लड़की के बारे में सुनाई थी. डी वन इज करेक्ट. देन फिफ्थ वन. द आंट वॉज वेरी श्योर दैट द बैचलर स्टोरी वुड हैव एन इम्प्रॉपर एंडिंग सो शी. अब आंट को पता था कि जो बैचलर की स्टोरी का एंड होगा वो कैसा होगा. बिल्कुल इम्प्रॉपर, अनुचित होगा. इसलिए आंट ने क्या किया? वॉज एंग्री, वो गुस्सा हुई. डिंट लिसन टू हिम, या उस बैचलर की सुना ही नहीं उन्होंने. Didn't want him to narrate any story, या फिर वो ऐसा चाहती थी कि बैचलर कोई भी स्टोरी ना सुनाए, या फिर interrupted him and completed the story, या फिर बैचलर जो स्टोरी सुना रहा था उसको इंटरप्ट किया और स्टोरी को कम्प्लीट किया. तो किसने कम्प्लीट किया था स्टोरी? आंट ने कम्प्लीट किया था. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? द डी वन इज करेक्ट. ओके सो रेस्ट ऑफ द वर्क वील डू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू इन द बुक ओनली. थैंक यू.